जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल? तो अभी अपन जाएंगे गया, उसके लिए बोर्डिंग रोड पे हैं। तो वो 6 बजे ट्रेन है और हम 5:30 हो रहा है, बोर्डिंग रोड पे आ गए हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ से जंक्शन का ऑटो लेके। जंक्शन का ऑटो लेके कहाँ जाएंगे? जंक्शन ही जाएंगे, उसके बाद फिर गया वहाँ से डायरेक्ट 100 किलोमीटर के आसपास है पूरा। तो यहाँ जो भी पटना से जा रहे हो स्टेशन से आराम से जा सकते हैं ट्रेन से। उसके बाद आगे का दिखाते हैं, देखते रहना लास्ट तक। और लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। इधर जाने का, इधर टिकट घर में घुस जाने का, यहाँ से टिकट ले लेने का और उसके बाद गया पहुँच जाने का। अपन 7:15 वाली ट्रेन लेंगे, 6:10 वाली लेते बट वो लेट हो चुकी थी, इसीलिए 7:15 वाली। देखो कितनी भीड़ है। चलिए टिकट लेके आते हैं सामने से। भाई अपन पहुंच गए बोध गया। इधर धर्मन, इधर जाते हैं। कहाँ हैं? इधर से जाना है स्टेज में अंदर और यहाँ पे अपना फ़ोन जमा करना पड़ेगा, चप्पल जूता सब, चप्पल जूता वहाँ पे, फ़ोन यहाँ पे। और इधर विदेशी लोग भी घूमते रहते हैं तो यहाँ से जाते हैं तो अभी फ़ोन जमा कर लेते। मंदिर का दर्शन होता है, वो मंदिर दिख रहा है उधर, और इधर बिना फोन का आना होता है। चलिए अब इधर अपन वापस दर्शन करने जाएंगे। चलते पीपल का पत्ता भी ले लिए वहाँ से, जहाँ पे उनका जो अति वृक्ष है, ज्ञान वृक्ष, जहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वहाँ से पत्ता भी उठा के लाया ऐसा माना जाता है। और वो मैप वहाँ देखो यार, मैप बताता हूँ, मैप 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 देखो। चलो मंदिर के अराउंड मैप देखो, होली बोधि ट्री एकदम बगल में, यहाँ मंदिर है उसके बगल में, वहाँ पे दिख रहा है एक, वो है पीछे उधर मेन टेंपल बीच में दिख ही रहा होगा, मेन गेट वहाँ से एंट्री पढ़ लो। और मेडिटेशन पार्क है उधर से, मेन गेट से बगल में ही है। मूलचंद के टैंक मतलब सरोवर है वहाँ पे, वहाँ पे जाओगे ना तो शेष नाग नागराज पे बैठे हुए हैं, भगवान का मूर्ति है। और बटर लैंप मतलब हमेशा यहाँ पे ना लैंप जलते रहता है, घी जलता है उसमें, लैंप हमेशा जलते रहता है। और बाकी ये सब मंदिर है, श्री जगन्नाथ मंदिर और ये सब है। तो बाकी सब घूमते धीरे धीरे, चलिए चलते हैं अपना करके आते हैं। भाई अभी है ना यहाँ पे मूर्ति के पास, भैया बेच रहे थे। कैसे भैया ये? ये मूर्ति का रेट है, बोधिया से हम बात कर रहे हैं। ये बुद्ध भगवान का मूर्ति है, मंदिर है साथ में, बुद्ध भगवान भी है उनका। ये आपका पड़ेगा मेटल का है, आपको पानी से खराब नहीं होगा, ऐसे
यहाँ दो रेट होता है, इंडियन का अलग रेट होता है और फॉरेनर का अलग अलग रेट होता है। जैसे उन लोग अलग अलग रेट में बेचते हैं, मैं हजार हजार तक इसको हम बेचते हैं, पर इंडियन आते हैं तो मात्र 50 रुपया 40 रुपया 300 रुपया में दे देते हैं। अब मूर्तियों के बारे में बता दीजिए भैया। ये मूर्ति वगैरह है, ये मूर्ति का था 50 रुपया से लास्ट प्राइस प्राप्त 50 रुपया और हाई प्राइस में मत पूछिए 1000 रुपया। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग लोअर प्राइस है 50 रुपया और हाई में 1000 जैसे जाएगा, जैसा ग्राहक जैसा, जैसे विदेशी आ जाएगा तो आपको कम से कम 1000 से बात करेंगे, 9000 8000 फिर 5000 में कम, ज़्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम होगा पर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। काहे कि उन लोग फॉरेनर हैं, मैं खुद जैपनीज गाइड हूँ, मैं 7 ईयर ओल्ड जैपनीज स्टडी राइट नाउ वातासीवा सांसाई निहोंगो बेंक्यो सीमास योरोशिकु ओनेगाई सीमास। इसका मतलब समझा दीजिए भैया। ये शुरू में वेलकम होता है। अच्छा। और बात करने का ये तरीका है, ऐसे बात अच्छा। किया जाता है। जैपनीज में है, हम जैपनीज में ही बात कर रहे थे, हम ओनली जैपनीज जानते हैं और कोई लैंग्वेज। अच्छा भैया, ये छोटी वाली दे दीजिएगा। ये छोटी वाली 50 पड़ता है और ऊपर में फिर कहीं भी चले जाएंगे। अच्छा। 1000 तक हम बेचे हैं, इसको 1000 में भी बेचे हैं। भाई ये है इंडोशियन निपोजियन चाइनीज जापानीज टेम्पल, ये बंद है, बंद ही रहता है। इधर कुछ है, यहाँ बांग्लादेश का उधर था, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ है इधर। और अपन आगे चलते हैं इसे 80 फीट वाले के पास, 80 फीट की जो मूर्ति है सबसे, वहाँ पे चलते हैं, देखते जाओ, तुम रास्ता दिखा रहे हैं, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ फिर दिखाते हैं तुम लोग को, अच्छा लगेगा। वहाँ से आना है उस साइड और ये 80 फीट का बुद्धा पार्क, पार्क बोल रहा हूँ, बुद्धा मंदिर 80 फीट का। चलिए चलते हैं, वहाँ पास में जाएंगे, कुछ देर रहेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा देर सुकून की नींद लेंगे, नींद मतलब अच्छे से रहेंगे। यार क्या मस्त पतझड़ का मौसम है, अच्छा फील आ रहा है इसका। ये देखते जा भाई, पूरा सामने 80 फीट का बुद्धा टेम्पल, बुद्धा का स्टैचू सबसे बड़ा, दीज ऑल आर फॉरेनर्स, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं भाई। एक तो ऐसा दिखा था जिसने इतना लाल हो चुका है, क्या बताएं, उसका लगा था ब्लड आ जाएगा, गर्मी इंडिया के गर्मी की वजह से। अभी फॉरेनर कम आता है, ठंड में ज़्यादा आता है, बात किया तो मैंने। उधर देखो यार, यहाँ पर चप्पल जूता खोल के फिर ऊपर जाना है, चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं। ओ नेट्स मूर्ति पर मोबाइल फ़ोन किस तरह प्रयोग पर बंद है मोबाइल का, तो मोबाइल बंद करते हैं, मोबाइल का नहीं है यूज, देख लो भाई, चलो मोबाइल बंद। चलिए चलते हैं, वापस चले जूता चप्पल पहन तो छाछू। ये बठाई बथाई जो भी है उसका है ये मोनेस्ट्री, यहाँ पे सब चीज देखते जाओ, प्रेयर रूटीन, बुद्धिस्ट डे, प्रतिमोखा टीचर मेंबर सेरेमनी, धामा सेरेमनी स्वइंग द डायरेक्शन, रॉयल रंबल ऑफरिंग सेरेमनी, थाईलैंड में बन रही 4 बौद्ध तीर्थ स्थलों की प्रतिक्रिया यहाँ पे, और ये कुछ है यहाँ पे, अपना चप्पल जूता साइड में डाल देते हैं। Thank you.
देखो एंट्री इसका इतना जबरदस्त है, गेट बना हुआ क्या है, वाट थाई बोध गया। और उसके बाद यहाँ से आते हैं फिर ऐसे, फिर अंदर ये नज़ारा दिखा दिखा। तो अपना फोटो वोटो खींच लिए हैं, अब हम चलते हैं और देखते हैं विष्णुपद के पास जाते हैं या माया सरोवर के पास, जहाँ भी टाइम मिले। 2:30 बजे से मेरे आते ट्रेन भी है, तो रिटर्न भी जाना है, 11 बजे तो पहुँचे ही हैं। इधर देखो साइड में भी अच्छी है, बहुत शांत है ये। अगर यहाँ पे आए तो भाई 12 बजे से 2 बजे के बीच में मत ही आना, टाइम ले आना अच्छी जगह से, नहीं तो नहीं मिलता है, सारा जगह बंद रहता है। अभी बहुत सारा मोनेस्ट्री घूम के आए, सब बंद था, तो 12 से 2 नहीं आना। आप बोध गया में क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं, ये सारे चीज़ मिल जाएगी, मेडिटेशन बाउल मिल जाएगा, ये माला मिल जाएगी, विदेशी दर्शन मिल जाएगी, ये सब बोध का मिल जाएगा, मूर्ति, पानी, मंदिर, सब चीज़, कार्ड और होटल तो यहाँ बहुत आसानी से इजीली मिल जाता है, दफ्तर देख सकते हो बहुत इजीली मिलता है होटल ये सब। और ये कि ये मोनेस्ट्री है ताइवान, ये देखो ताइवान का मंदिर है ये, और अपन उधर बांग्लादेश का था, सब जगह का था, एक एक रहता है। ये देखो मूर्तियाँ देखो यार, किसकी मूर्ति देखो भाई, ये सब मिल जाता। पेन है बौद्ध का, बुद्धा पेन बोलते हैं भैया, मूर्ति खुद बनाते हैं, ये सब मिल जाता। कड़ा मिल जाता इधर अच्छा सा, और माला वाला भी मिलती है। चलो चलते हैं, ये ताजमहल है क्या? हाँ ये ताजमहल है, चुटकू सा ये बहुत है, सब कुछ मिल जाता है। ये भीच भाज के पूरा अच्छे से ट्रेन से दौड़ते दौड़ते ऐसे छुटी छुटी करते करते आ गए, अब हॉस्टल पर रूम पे जाते हैं। अब फिर जितने भी भीच नहीं मिली, बहुत बारिश हुई, और जगह तो भेगा नहीं, पटना जंक्शन से ट्रेन से ऑटो पकड़ लें भीच में, फिर ये सब तो आया नहीं है, न बजे से आया है। चलिए इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर को।